नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बताएंगे जीरोधा में आप आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जीरोधा ऐप पे कैसे आप अप्लाई करेंगे, जीरोधा के वेबसाइट पे कैसे अप्लाई करेंगे। जीरोधा के वेबसाइट से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जीरोधा में जो मोबाइल है, मोबाइल में क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, उसमें गूगल में टाइप करना है आपको kite.jirodha.com और इस पे जाना है। और अगर आप लैपटॉप में ओपन करते हैं, मतलब लैपटॉप पे आप अप्लाई करते हैं तो आपका जीरोधा में अकाउंट है तो आपको kite.jirodha ओपन कर लेना है, तो जीरोधा में जो अकाउंट है आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप kite.jirodha पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, मतलब ये वेबसाइट आएगा kite.jirodha.com। तो आपको इससे पहले वाले पर क्लिक करना है kite.jirodha.com, तो इसी में लॉगिन काइट पर क्लिक कीजिए, चाहे यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये आपको लॉगिन पेज पर ले जाएगा। तो हम ऑलरेडी लॉगिन है तो हमें डायरेक्ट ये डैशबोर्ड पर ले जाएगा। आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यूजर आईडी डालने बोला जाएगा, पासवर्ड डालने बोला जाएगा, यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लेना है, फिर लॉगिन कर लेना है। तो हमारा ऑलरेडी लॉगिन है तो हमारा डैशबोर्ड डायरेक्ट ओपन होगा। तो देखते हैं हमारा डायरेक्ट डैशबोर्ड ओपन हुआ तो यहाँ पर आप आएंगे नीचे, तो यहाँ पर आपको जो भी आईपीओ ऑनगोइंग होगा, मतलब चल रहा होगा अप्लाई का प्रोसेस, वो आईपीओ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आईपीओ चल रहा है अभी देखते हैं, ऑनगोइंग आईपीओ रोसारी बायोटेक। तो ये इसका जो प्राइस है 423 से 425 रुपये का रेंज है और 13 जुलाई से 15 जुलाई तक इसका डेट है अप्लाई करने का। आज है 14 जुलाई, तो हम यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और आप आसानी से इजी वे में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कैसे, तो अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेते हैं। तो अप्लाई नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ आई पी ओ विंडो विल रिमेन ओपन फ्रॉम 10 AM टू 5 PM ऑन ट्रेडिंग डे। 10 AM से 5 PM तक ट्रेडिंग डे में ओपन रहेगा आईपीओ के अप्लाई के लिए, मतलब आईपीओ रिमेन रहेगा और मतलब अप्लाई आज अगर 5 PM से पहले अप्लाई कर देते हैं तो आज ही आपका आईपीओ के लिए अप्लाई हो गया। तो फिर यहां पर आपको बिड नाउ पे क्लिक करना है, बिड पे हम चलिए क्लिक करते हैं। यहां पर आप जो भी देखना है, तो लॉट साइज इसका 35 का, लॉट साइज 35 का है। स्टेटस देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका प्राइस ये रेंज है, उसके बाद इन डेट 15 को है, स्टार्ट डेट 13 को है। तो आज 14 जुलाई है, तो हमारा जो कल है आईपीओ अप्लाई इंड होगा। तो बिड नाउ पर क्लिक करते हैं। जैसे आप बिड नाउ पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको सारा डिटेल यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर आपको अपना UPI आईडी डालना है, आपका जो भी UPI आईडी है UPI आईडी डाल दीजिए। फिर आपको यहाँ पर अपना इन्वेस्टर टाइप सेलेक्ट करना है, किस तरह का आप इन्वेस्टर है, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करें, ऐसे एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे, यहाँ पर प्राइस डालेंगे। तो सबसे पहले आपको कितना आईपीओ में अप्लाई करना है, कितना लॉट साइज वो डालना है। अगर एक लॉट तो 35 भरना है, दो लॉट तो 70 भरना है, तो हम एक लॉट के लिए 35 भर देते हैं। यहाँ पर कटअप प्राइस पर क्लिक करेंगे तो ये 425 आपका डायरेक्ट ले लेगा। हाँ, लेकिन हम कटअप प्राइस पर नहीं डालेंगे, कटअप प्राइस हुआ कि लास्ट प्राइस। आप कटअप प्राइस डालेंगे तो जिस प्राइस पे आईपीओ अलॉट होगा सबको, उस प्राइस पे आपको मिल जाएगा। लेकिन आप चांस लेना चाहते हैं कि हम 423 रुपये डाल देते हैं, अगर हमारा 423 पर मिलने होगा तो 2 रुपया पर मतलब शेयर बच जाएगा। 35 का लॉट है तो 35 क्वांटिटी में 2 रुपया बचा तो 70 रुपया आपका एक लॉट पे सेव हो जाएगा। फिर दूसरा, मतलब जो भी आपको तीन ऑप्शन डालना है, तीन ऑप्शन में जो भी ऑप्शन सेलेक्ट होगा, मतलब जिस ऑप्शन पर अलॉट होगा तो आपको भी अलॉट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर फिर दूसरा 35 क्वांटिटी और प्राइस 424। उसके बाद फिर यहाँ पर तीसरा जो हम प्राइस डाल देते हैं, कटअप प्राइस, मतलब तीन ही प्राइस का रेंज है तो कटअप प्राइस डाल दिए। तो सारा चीज़ डाल दिए, अब यहाँ पर यूजर नेम नहीं डाले, यूजर नेम डाल लेते हैं। चलिए सिर्फ यहाँ पर आपका अपना जो यूजर नेम है, इधर जो OKSBI है मतलब गूगल पे का है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर ले लेगा। तो यहाँ पर सारा चीज़ डाल दिए, अब यहाँ पर आपको यहाँ जो डिस्क्लेमर है इसको एक्सेप्ट कर लेना है। आई हियर बाय अंडरटेक दैट आई हैव रीड दी हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना है, मतलब इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है, फिर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको आईपीओ के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो हमें अभी जो आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं करना है, आज हम देखेंगे आईपीओ कितना परसेंट सब्सक्राइब हुआ, उसके बाद हम इसमें आईपीओ के लिए अप्लाई करना सोचेंगे कल। तो आपको हमने बता दिया अगर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए डिटेल वीडियो हम यूट्यूब पे लाएंगे तो उसको देख सकते हैं। तो हम जो आज देखेंगे पहले आईपीओ कितना सब्सक्राइब होता है, उसके बाद कल सोचेंगे, मतलब लास्ट डे सोचेंगे इसमें अप्लाई करें या ना करें। तो ये था हमारा डेस्कटॉप मोड में आप कैसे अप्लाई करें। अब हम जानेंगे जो मोबाइल ऐप है उसमें कैसे अप्लाई करेंगे जीरोधा से किसी भी आईपीओ के लिए।
जैसे आगे LIC का IPO आना है तो LIC के IPO के लिए निश्चित अप्लाई करेंगे, इसलिए आपको जान लेना है, अभी सीख लीजिए कि कैसे IPO के लिए अप्लाई करते हैं जिरोधा के काइट ऐप से और जिरोधा के kite.jirodha.com से। अब हम देखेंगे काइट ऐप से, जिरोधा के काइट ऐप से IPO के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो आपको लॉग इन कर लेना है अपना ID और पासवर्ड देके काइट ऐप में। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको नीचे जाना है, ये जो आपका प्रोफाइल वाला सेक्शन है तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका जो ID होगा वो दिखाएगा, इस पर क्लिक करना है नीचे। जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, फंड प्रोफाइल सेटिंग कंसोल। यहाँ पर देख सकते हैं कंसोल पे आपका पोर्टफोलियो देख सकते हैं, ट्रेड बुक देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, अपना IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी IPO पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप IPO पर क्लिक करेंगे तो console.jirodha.com ओपन होगा। इसमें आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि 10 AM से 5 PM तक, हमने 9 AM कह दिया था तो सॉरी 10 AM से 5 PM तक ओपन रहेगा ये IPO। तो यहाँ से नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं IPO विंडो, और यहाँ पर दिखाएगा जो पीछे आपने IPO के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पर देखते हैं हमने SBI कार्ड, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और IRCTC इन सब IPO के लिए अप्लाई किया था। तो SBI कार्ड में हमने अप्लाई किया था लेकिन अलॉट नहीं हुआ, तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये IPO जब से लिस्ट हुआ है तो वो नीचे के प्राइस पे ही मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको बिड क्वांटिटी पर, ये बिड जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो बिड ऑप्शन क्लिक करने से पहले आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, स्टार्ट डे 13 तारीख को है और जो लास्ट डेट है 15 को है और क्वांटिटी जो है 35 का है। तो आप 35 में 70 में मतलब इसी के मल्टीपल में 35x1 कर लीजिए, 35x2, 35x3 ये लॉट साइज है। तो 35 के मल्टीपल में ही आपको भरना है क्वांटिटी, और प्राइस जो है 423 से 425 जो चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। तो आपको तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करना है ताकि जिस प्राइस पे अलॉट हो वो आपको IPO मिल जाए। आप बिड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोला जाएगा अपना UPI ID डालने, तो चलिए हम अपना UPI ID डाल लेते हैं। तो जो आपका UPI ID है आप अपना UPI ID डालेंगे, तो हम यहाँ पर अपना UPI ID डाल लेते हैं, 76 UPI ID डाल लेना है। फिर यहाँ पर आपका जो UPI है, गूगल पे है तो OKSBI, अगर फोन पे है तो @YBL तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर अगर आपका भीम UPI ID है तो उसके लिए सेलेक्ट करना है। तो जो भी UPI ID है आपका सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे भीम UPI ID ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो आपका जो भीम UPI ID होगा वही सेलेक्ट करना है। तो ज़्यादा @UPI यहाँ देख सकते हैं, ये जो हमारा नीचे का ये जो ऑप्शन है यही सेलेक्ट करना है। भीम UPI ID नहीं है तो ओपन कर लेना है, तो ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टर टाइप इंडिविजुअल अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। फिर क्वांटिटी आपको डालना है, चलिए क्वांटिटी डाल लेते हैं, अगर एक लॉट तो 35, दो लॉट तो 70। तो उसके बाद प्राइस डालना है तो ₹423 डाल देते हैं। फिर दूसरा बिड भी डाल देना है, जिस प्राइस पर अलॉट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो दूसरा हमारा लॉट साइज 35 का ही रहेगा, कट ऑफ प्राइस इसका भी हम दे देते हैं 424। आप यहाँ पर जो ये जो क्वांटिटी है ये दोगुना भी कर सकते हैं, दो लॉट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तीसरे में अपना क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, जैसे दो लॉट के लिए करते हैं 70 सेलेक्ट करना है, कट ऑफ प्राइस यहाँ सेलेक्ट करेंगे क्योंकि तीसरा ऑप्शन तो कट ऑफ प्राइस है, मतलब होगा कि अगर आपको इन दो प्राइस पे नहीं मिला तो कट ऑफ प्राइस पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपने दो लॉट साइज अप्लाई किया है तो दो लॉट साइज मिलेगा, चाहे यहाँ पर दो लॉट ले सकते हैं, यहाँ पर एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, अंतिम प्राइस है ये, इसमें आपको ₹2 ज़्यादा लगेगा तो 35 ही रहने दीजिए। यहाँ पर आप चाहते हैं डबल कि अगर 423 पे मिला तो डबल, तो यहाँ 70 कर दीजिए। तो ये सारा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है, तो ये बॉक्स सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये बॉक्स सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन खुल गया कि आप सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं, सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये 5 PM से अभी 5:02 हो चुका है, 5 PM से ज़्यादा हो गया आपका IPO सबमिट नहीं होगा। देख सकते हैं फेल टू अपलोड ऑर्डर क्योंकि मार्केट ओपन नहीं है, तो 5 बजे तक ही आप वो IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10 बजे से 5 बजे। तो हम कल IPO के लिए अप्लाई करेंगे, आपको कैसे अप्लाई करना है सीख गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि कैसे kite.jirodha से और कैसे काइट अप्लाई करना है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।